नमस्ते, टेरेस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बिल्कुल नए तरीके से मटर फ्रेंकी बनाएंगे। चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ एक कप फ्रेश मटर लिया है, आप इसकी जगह पर फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। 1.5 कप मैदा और 1 कप दूध लिए हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने छोटे पीस में काट लिया है। 2 लाल मिर्च, दालचीनी, इलायची, लौंग, 1 चम्मच जीरा, नमक और तेल लिए हैं। पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और लाल मिर्च डालेंगे। इसमें हरा मटर, अदरक, लौंग, इलायची, दालचीनी और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे, इसे ढक देंगे और इसे 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। मटर हल्की सॉफ्ट हो गई है, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकालेंगे। इसे थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। यह हल्का ठंडा हो गया है, इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। इसे प्लेट में निकालेंगे। कटोरा में मैदा डालेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना है, बैटर को इतना ही पतला होना है। अगर आपका बैटर गाढ़ा लग रहा है तो उसमें थोड़ा सा दूध डाल दें और अगर वो ज्यादा पतला हो गया है तो उसमें 1 चम्मच मैदा डाल दें। तवा को गर्म करेंगे, इसमें जरा सा तेल डालेंगे और इसे फैला देंगे। इसमें बैटर को डालेंगे, इसे डोसे की तरह एकदम पतला फैला दें और इसे मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। इसे एकदम हल्के से पलट दें और दूसरे तरफ भी हल्का गोल्डन कलर होने तक सेकेंगे। इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे। सारे रैपर्स बना लिए हैं। प्लेट में 1 चम्मच मैदा लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका पतला घोल बनाएंगे। 1 पीस रैप लेंगे, इसके बीच में मटर का मसाला डालेंगे, इसे साइड से फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर में ये मैदा का घोल लगाएंगे। यह घोल फेविकॉल का काम करेगा और इसकी दूसरे साइड को हम इस पे चिपका देंगे। इसके दोनों साइड में मैदा का घोल लगाएंगे और इसे इस तरह चिपका देंगे। इसी तरह हम बाकी के भी रैप्स में मसाला भर लेंगे। तवा को गर्म करेंगे, इसमें एकदम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे फैला देंगे। इस पर हम इसे डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे सेकेंगे। इसमें एकदम थोड़ा सा तेल डालें, इसमें ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है। इसे अब हम पलट लेंगे, इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगाएंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर होने तक सेकेंगे। ये दोनों तरफ से गोल्डन कलर का हो गया है, इसे प्लेट में निकालेंगे। मटर फ्रेंकी तैयार है। धन्यवाद।